हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक्स के बारे में डिस्कस किए थे, कैसे क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। वो तो हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं गए थे, बट आज हम लोग थोड़ा बेसिक्स जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया जाता है किसी न्यूट्रल स्पेसीज में, कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे किसी आयनिक स्पेसीज में, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी चार्ज पॉजिटिव रहेगा तब इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब किसी एटम पे निगेटिव चार्ज रहेगा तब इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपका प्रोटॉन कैसे निकाला जाता है, न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, उसको देखते हुए फिर हम लोग आज बात करेंगे सेल, सब सेल और बैटल वगैरह के बारे में। तो बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल अगर देखें तो किसी भी इन जनरल एलिमेंट के बारे में बात करें तो कोई एलिमेंट मान लेते हैं हम एक्स है, ठीक है। कोई एक्स एलिमेंट है जिसका जेड जो होगा वो एटॉमिक नंबर होता है और ए जो होता है वो मेरा एटॉमिक मास होता है, ठीक है। बहुत सिंपल से समझिएगा। तो अगर हम इसको जेड को बोलेंगे क्या एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ए को बोलेंगे हम लोग एटॉमिक मास। अब आप सिंपल समझना कि अगर इस एक्स पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि अगर कोई चार्ज यानी प्लस या माइनस नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये एक्स मेरा न्यूट्रल स्पेसीज है, ठीक है। न्यूट्रल स्पेसीज कहने का मतलब हुआ कि कोई भी एटम ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, उसको किसी और से मतलब नहीं है, वो खुद अपने आप से खुश है। तो यहां पर अगर हम एक्स की बात करेंगे, इस एक्स पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये एक्स न्यूट्रल स्पेसीज है, न्यूट्रल स्पेसीज, ठीक है। अब जब न्यूट्रल स्पेसीज के बारे में बात करेंगे और उस केस में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया जाए, प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट किया जाए, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूट्रल स्पेसीज में अगर कैलकुलेट करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उस न्यूट्रल स्पेसीज का जो एटॉमिक नंबर होगा वही उस न्यूट्रल एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर न्यूट्रल स्पेसीज के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं जेड जो होगा वो अगर जेड मेरा एटॉमिक नंबर होता है वही मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वही मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो आप कह सकते हो कि किसी भी न्यूट्रल स्पेसीज के पास जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, सिंपल। तो हम लोग कह सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, ये किस केस में, जब मेरा न्यूट्रल स्पेसीज होगा। न्यूट्रल स्पेसीज कहने का मतलब वैसा एलिमेंट जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, यानी ना ही प्लस चार्ज हो ना ही माइनस चार्ज हो, यानी कि वो एलिमेंट ना ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अगर हम लोग सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर इन जनरल एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम यहाँ बोल सकते हैं जेड। अब ये जेड का वैल्यू डिपेंड करता है ये कौन सा एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, और जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपल। अगर हम लोग इसी इन जनरल एग्जाम्पल की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपका जेड ही हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो जो मास नंबर होगा उसमें से अपना एटॉमिक नंबर को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे और देन हम लोग न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स ए माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन जनरल एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं कि एक्स कोई न्यूट्रल एलिमेंट है जिसका ए एटॉमिक मास है और जेड एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन से आपको डिनोट कर दिए हैं कि जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड ए इज इक्वल टू एटॉमिक मास। देन इन दैट केस व्हेन हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रल स्पेसीज के बारे में, तो उस केस में जेड जो होगा यानी एटॉमिक नंबर जो होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर देखे कि अगर हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसमें जेड का जो वैल्यू होगा वही आपका इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें जेड का जो वैल्यू होगा वही आपका प्रोटॉन होगा, और न्यूट्रॉन और कुछ नहीं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यहाँ मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड हो जाएगा। ये आपको सिंपल इन जनरल एग्जाम्पल लेके हम बताए हैं। तो हम लोग जानते हैं कोई भी न्यूट्रल स्पेसीज हो उसका ए एटॉमिक मास होता है, जेड एटॉमिक नंबर होता है, और जेड जो होगा यानी न्यूट्रल स्पेसीज के बारे में वो जेड जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है। अब आप सिंपल समझना, कोई अगर हम लोग इन जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कोई अगर हम लोग सिंपल एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई हम लोग एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं बाबू 8 होता है और उसका मास नंबर होता है 16, ये तो आपको पता होगा। और अगर नहीं पता है तो ये हम लोग 9th क्लास में या 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, 9th क्लास में तो बाबू स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको बहुत सारा मिला होगा, आपको कम से कम 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर भी याद करने के लिए दिया गया होगा। लेकिन अगर आप याद किए हो तो बहुत बढ़िया, और अगर याद नहीं किए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे
कि 1 to 30 कम से कम आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। साथ ही साथ जितना भी इनर्ट गैस है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये जितना भी आपका इनर्ट गैस है उस सारे का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर हम लोग हीलियम की बात करें एटॉमिक नंबर 2, अगर हम लोग नियॉन की बात करें एटॉमिक नंबर 10, अगर हम लोग आर्गन की बात करें एटॉमिक नंबर 18, अगर हम लोग क्रिप्टन की बात करें एटॉमिक नंबर 36, अगर हम लोग जेनन की बात करें एटॉमिक नंबर 54 और अगर हम लोग रेडॉन की बात करें तो आप बात कर सकते हो 86। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल बता सकते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर आपका 8 है और मास नंबर आपका 16 है, ये कैसे पता चला? तो नीचे जो होता है जेड ये आपका एटॉमिक नंबर बताता है, ऊपर जो होता है ए वो आपको मास नंबर बताता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है और इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। और अगर ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब ये ऑक्सीजन न्यूट्रल स्पेसीज है। और अभी अभी हम लोग न्यूट्रल स्पेसीज के बारे में डिस्कस किए हैं कि अगर किसी भी न्यूट्रल स्पेसीज में अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना हो तो उस न्यूट्रल स्पेसीज का जो एटॉमिक नंबर होगा वही उस एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा, वही उस एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताएगा। तो अगर हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हम आराम से बता सकते हैं क्योंकि यहाँ जेड का वैल्यू 8 है। तो हम बोलते हैं कि जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन विच केस तो हम बोलेंगे न्यूट्रल स्पेसीज। और ये न्यूट्रल स्पेसीज ही है, यानी कि अगर जेड का वैल्यू यहाँ पर एटॉमिक नंबर 8 है तो इस केस में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नंबर भी 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है। और जब बात करेंगे हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मास नंबर होगा उसमें से आप एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो और जो आपको ऑक्टेन नंबर मिलेगा दैट इज न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, मास नंबर आपका 16, एटॉमिक नंबर आपका 8, 16 माइनस 8 यानी 8। यानी हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट, न्यूट्रल एलिमेंट की बात करेंगे तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, साथ ही साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों का वैल्यू 8 ही होता है। होपफुली आपको न्यूट्रल स्पेसीज के बारे में क्लियर हुआ होगा। एक दो और एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग सिंपल बात करेंगे कोई और एलिमेंट लेते हैं, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम, ठीक है, सोडियम भी यहाँ पे न्यूट्रल एलिमेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हम लोग ले लेते हैं 11 होता है। सोडियम का मास नंबर अगर आपको याद होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो हम लोग जानते हैं 23 होता है। और यहाँ सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप मेटल नॉन मेटल पढ़े होगे 10th क्लास में, सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट? ये तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता क्या है। वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब मेटल नॉन मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव की ही तो कहानी कहता है। तो यहां बोलो सोडियम, इस सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये सोडियम न्यूट्रल होगा या आयनिक होगा? बिल्कुल न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल के केस में जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो बता दो यार, सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 11 है, यानी इस केस में अगर Z का वैल्यू 11 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11। और अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 11 जो कि 12 हो जाएगा। तो अगर हम लोग सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 23 माइनस 11 दैट मींस 12। तो सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 23 माइनस 11 जो कि आपका 12 हो जाएगा। तो हम लोग किसी भी न्यूट्रल स्पेसीज का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। किसी भी न्यूट्रल स्पेसीज का जो एटॉमिक नंबर होगा वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप उस न्यूट्रल स्पेसीज के मास नंबर को देखो और उस मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो और जो ऑब्टेन नंबर मिलेगा दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दैट न्यूट्रल एटम।
ये बात हमेशा याद रखना, हम जब कभी भी बात करते हैं कि जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कब होगा? वो तभी होगा बाबू जब मेरे पास न्यूट्रल स्पेसीज होगा। वैसा एटम जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, वैसा एटम ना ही जो इलेक्ट्रॉन कभी दिया हो और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हो, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ना ही उसको इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्ट है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्ट है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अगर गरीब है तो भी खुश है, और अगर रिच है तो भी खुश है। अगर हम लोग सिंपल एक और एग्जांपल लेके देखें, जैसे मान लो अगर हम लोग ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, तो हम बोलेंगे यार 7। मास नंबर कितना, हम बोलेंगे 14। अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक नंबर पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर है 14, एटॉमिक नंबर है 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 14 माइनस 7, दैट मींस कितना, तो 7। तो नाइट्रोजन जो कि यहां न्यूट्रल स्पीसीज है, उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। रीजन कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 7 होता है, और न्यूट्रल स्पीसीज के केस में जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो मास नंबर है 14, एटॉमिक नंबर है 7, 14 माइनस 7 कितना, 7। तो किसी भी न्यूट्रल स्पेसीज का अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप उसके एटॉमिक नंबर को देखो, और जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ये हम लोग जानते हैं किसी भी न्यूट्रल स्पेसीज की कहानी। अगर हम लोग किसी आयनिक स्पेसीज की कहानी देखें तब क्या होता है वो आप समझिएगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है आयनिक स्पेसीज के केस में भी, कि आयनिक स्पेसीज में कैसे जब किसी के एटम पे प्लस चार्ज होगा, किसी भी एटम पे माइनस चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत आसान कहानी है। क्या है कहानी, तो आप ये समझिए, कोई भी एटम पे चार्ज कब आएगा, या तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, या तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, इसका मतलब उस पे चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव आएगा। जैसे ही चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव आएगा, इसका मतलब वो न्यूट्रल नहीं रहा। न्यूट्रल कहने का मतलब वैसा एलिमेंट जो ना कभी किसी को इलेक्ट्रॉन दिया, ना कभी किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, उसको अगल बगल वाले से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब उसको न्यूट्रल रहना ही पसंद है। जैसे अगर हम लोग ले लेंगे, यहां पर ले लो सोडियम, और इस Na पे ले लेते हैं प्लस चार्ज, तो इसका मतलब हुआ किसी भी एटम पे प्लस चार्ज होने का मतलब है कि वो एटम उतना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन लूज किया। सोडियम पे एक प्लस चार्ज, इसका मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, जब सोडियम सिर्फ सोडियम रहा करता था, मतलब जब सोडियम न्यूट्रल हुआ करता था, उस केस में बताओ बाबू, तो सोडियम का 23 आपका मास नंबर हो जाएगा, 11 आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और इस केस में जेड का वैल्यू 11, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 था। ये कब था, जब ये सोडियम न्यूट्रल हुआ करता था, मतलब इस सोडियम पे कोई चार्ज नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब चार्ज आपको दिख रहा है, कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। और एक बात हमेशा दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि जब कभी भी अगर किसी भी एटम पे कोई चार्ज हो, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, इसका मतलब वो एटम इलेक्ट्रॉन या तो लूज किया है या तो गेन किया है, इसका मतलब वो न्यूट्रल स्पेसीज नहीं है। और न्यूट्रल स्पेसीज नहीं है, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपका चार्ज प्लस या माइनस दिख रहा है आपको, चार्ज जैसे ही दिख रहा है, मतलब ये न्यूट्रल स्पेसीज, इसको हम लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे। न्यूट्रल क्यों नहीं बोलेंगे, ये न्यूट्रल है या नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल क्यों नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्यों लूज किया है, तो हम लोग देखें इसके पॉजिटिव चार्ज। जिस किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कैरी हो रहा हो, वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जिस किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज कैरी हो रहा हो, वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। किसी भी एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन लूज, किसी भी एटम पे जितना निगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन गेन। जैसे सोडियम पे एक प्लस चार्ज है, मतलब जब सोडियम सिर्फ सोडियम रहा करता था, सोडियम न्यूट्रल हुआ करता था, उस केस में सोडियम का इलेक्ट्रॉन 11 था, लेकिन उस पे अब चार्ज हो गया प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस केस में आपका जेड तो 11 ही रहेगा। अरे यार, चार्ज आने से क्या एटॉमिक नंबर बदल जाएगा? आप अगर घर में आपका नाम अगर विकास है, तो घर से बाहर निकल जाओ, थोड़े सुभाष हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात रखो, आपका नाम आपका कैरेक्टर नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ आपका पोजीशन जरूर बदल जाएगा। आप ये अब नहीं रोड पे रह के कह सकते हो कि हम अभी घर पे हैं। इसका मतलब हुआ कि आप
अपने फीचर्स में चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका जो बेसिक रूडिमेंट्री है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। यानी कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर, चाहे आप कोटा में देखो तो भी 11 और पटना में देखो तो भी 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है कि वो लूज किया है या गेन किया है। यानी सिंपल कह सकते हैं, कोई भी एटम पे अगर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब वो उतना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जब सोडियम सिर्फ सोडियम रहा करता था मतलब उस पे कोई चार्ज नहीं था, उस केस में इलेक्ट्रॉन 11 है, लेकिन सोडियम पर एक प्लस चार्ज आया, एक प्लस चार्ज आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। दो प्लस चार्ज होता दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तीन प्लस चार्ज हुआ तीन इलेक्ट्रॉन लूज किया, चार प्लस चार्ज हुआ चार इलेक्ट्रॉन लूज किया। यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और एक हम लोग नहीं दिखाते हैं, इसीलिए एक प्लस चार्ज मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो सोडियम के पास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर तो 11 ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 11-1, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो 10 हो जाएगा। सिंपल अगर हम लोग बोल सकते हैं, जैसे Mg 2 प्लस की बात करें तो बताओ यार, मैग्नीशियम जब सिर्फ मैग्नीशियम हुआ करता था उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, हम बोलेंगे 12, मास नंबर कितना, हम बोलेंगे 24। अब यहाँ पर इस मैग्नीशियम के केस में इलेक्ट्रॉन कितना, हम बोलेंगे यार जो एटॉमिक नंबर वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम पे आपको चार्ज दिख रहा है, जैसे ही चार्ज दिख रहा है मतलब उस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होगा। हम लोग जैसे ही चार्ज देखे, न्यूट्रल नहीं देखे, हम देखेंगे कौन सा चार्ज, प्लस या माइनस। अगर प्लस चार्ज है, जितना प्लस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा, जितना माइनस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अब बताओ यार, मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन था 12, कब, जब मैग्नीशियम न्यूट्रल हुआ करता था। अब मैग्नीशियम पे है 2 पॉजिटिव, मतलब ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसका मतलब मैग्नीशियम के पास अब 12 नहीं, अब हो जाएगा 12-2, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, हो जाएगा 10। यानी कि किसी भी न्यूट्रल स्पेसीज के पास अगर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल स्पेसीज मतलब चार्ज नहीं, मतलब उस केस में जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जैसे ही आयनिक स्पेसीज आ जाए, यानी कि अगर कैटायन या एनायन आ जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर सोचने वाली बात ये होगी कि आयन देखिए कैटायन है या एनायन है, पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन उस एटॉमिक नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दो, जितना निगेटिव चार्ज उतना एटॉमिक नंबर में उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। सिंपल देखो, अगर हम लोग ले लेते हैं O पे 2-, अब सिंपल देखना, तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन रहा करता था तो उस केस में एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 इलेक्ट्रॉन हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं एटॉमिक नंबर के बराबर। लेकिन ये ऑक्सीजन पे अब चार्ज आ गया, मतलब ये न्यूट्रल स्पेसीज अब नहीं रहा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन अब 8 नहीं रहेगा। अब इस पे 2 निगेटिव है, हम बोले हैं जैसे ही प्लस चार्ज दिखे इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस चार्ज दिखे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, जितना माइनस दिखे उतना ऐड करो, जितना प्लस दिखे उतना सब्सट्रैक्ट करो। यहां पर हमको 2- दिखा, जब ये 2- नहीं हुआ करता था तब एटॉमिक नंबर 8 था, यहाँ 2- आ गया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब उसमें जितना था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे 8+2, दैट मींस हो जाएगा 10। तो आप सिंपल सी बात है कि किसी भी एटम पे अगर कोई चार्ज नहीं है उस केस में जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही किसी भी एटम पे कोई चार्ज आ जाएगा, चाहे वो चार्ज प्लस है चाहे वो चार्ज माइनस है, उस स्पेसीज को हम लोग न्यूट्रल नहीं बोल सकते हैं। और उस केस में दैट मीन्स कि जो भी आयनिक कंटेनिंग स्पेसीज होगा, जो भी स्पेसीज आयन होगा, उस केस में एटॉमिक नंबर आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। उस केस में हम लोग देखेंगे कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन लूज किया है, निगेटिव है इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जितना पॉजिटिव उसके एटॉमिक नंबर से उतना सब्सट्रैक्ट, जितना निगेटिव उसके एटॉमिक नंबर में उतना इलेक्ट्रॉन ऐड, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कुछ स्पेसीज के बारे में और जानते हैं, जहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा लेकिन आप सिंपल से ऐड कर सकते हैं। चलिए अब कुछ हम लोग एग्जांपल दिए हैं, जो आयनिक स्पेसीज भी है, न्यूट्रल स्पेसीज भी है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक एटम से ज्यादा मिल जा रहा है, तो उस केस में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को फाइंड आउट करना है। बस एक बात दिमाग में रखना कि न्यूट्रल केस अगर होगा तो कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड या गेन या लूज नहीं होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। सिंपल, कोई भी अगर चार्ज होगा तो चार्ज आइडेंटिफाई करो, प्लस है या माइनस है। अगर
प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस है इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब जितना प्लस होगा उतना सब्सट्रैक्ट, जितना माइनस होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड। अब यहां से बाहर पकड़ो तो सिंपल, यहां देखो NO2 प्लस है, ठीक है। पहले तो यहां पर देखो, ये प्लस चार्ज को बाद में देखेंगे, इस प्लस चार्ज को अभी भूल जाओ, ठीक है। पहले आप यहां देखो कि कितना ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे दो ऑक्सीजन, या दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन यहां न्यूट्रल है, तो ऑक्सीजन के पास जब न्यूट्रल हुआ करता था तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है एट, कितना ऑक्सीजन है दो, तो एट टू जा 16 हो जाएगा। और एक यहां पर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन भी मेरा न्यूट्रल, नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर न्यूट्रल केस में, तो जो एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कितना 7, तो इलेक्ट्रॉन कितना 7। तो यहां पे अगर हम सिंपल बोलेंगे तो नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 7, और यहां ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 8 × 2, क्यों 8 × 2, तो एक ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 यानी इलेक्ट्रॉन भी 8, दो ऑक्सीजन इसीलिए 8 × 2, एक ही नाइट्रोजन इसीलिए 7। अब यहां पर ऐड कर लो तो हम बोलेंगे 8 × 2 = 16 प्लस 7 हो गया 23, क्लियर। अब यहां 23 में अब एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया होगा, तो यहां पर कर देंगे 23 - 1, दैट मींस हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत आसान हो जाएगा। तो जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो आयनिक हो, पहले आप एटॉमिक नंबर देखो, अगर न्यूट्रल है तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आयन है तो देखेंगे कैटायन है या एनायन है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव में सब्सट्रैक्ट, निगेटिव में ऐड, जितना पॉजिटिव उतना सब्सट्रैक्ट, जितना निगेटिव उतना ऐड। सिंपल आगे बढ़ो, CN माइनस है, अगर हम यहां पर देखेंगे तो हम बोल देंगे CN माइनस। अब यहां देखो, एक नाइट्रोजन के पास हम बोलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के पास हम बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 7 + 6 बोलेंगे 13, एक निगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो 13 + 1 हो जाएगा 14, कोई परेशानी। आगे बढ़ो, यहां पर आ जाओ O2+, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन है 8 × 2 = 16 प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर दो 16 - 1 हो जाएगा 15, कोई दिक्कत। यहां आ जाओ N2+, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दो नाइट्रोजन 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट या ऐड, यार पॉजिटिव चार्ज सब्सट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव चार्ज ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक ही है इसलिए एक ही सब्सट्रैक्ट, तो 14 - 1 कितना 13, यानी N2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हम बोलेंगे यार 13। आ जाओ इस केस में, तो यार जब कभी भी यहां पर एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तीन ऑक्सीजन 8 × 3 कितना 24, एक नाइट्रोजन इसके पास कितना 7, 24 + 7 कितना 31, एक निगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो 31 + 1 हो जाएगा 32, यानी कि NO3- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 32। बहुत आसान हो गया। यहाँ पर आ जाओ CO वाले केस में, एक कार्बन, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ एक कार्बन के पास जब वो न्यूट्रल हुआ करता था तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। और बाबू अगर ये पता नहीं है तो हम बहुत आराम से बता रहे हैं कि कम से कम ये याद कर लेना, नहीं तो बाबू साइंस रखे हो आगे बहुत पछताओगे, क्योंकि यार जितना आसान यहाँ अभी दिख रहा है वो आगे तुमको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये तुमको बस ट्रेलर है, वो आसान आसान तुमको अभी दिखाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आप इंट्रोडक्शन क्लास से आप आगे बढ़ोगे, जैसे ही आप क्लास के टॉपिक में जाओगे, 11th के टॉपिक में जाओगे, तो यार ये सब एक बहुत छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ जो आपको हम पहले ही बोल दिए, पहले ही कन्वे कर चुके हैं कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में ही आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम मॉलिक्यूल्स, ये सब सारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये सारा पढ़ना था। या आप आ जाओ 10th क्लास में, तो आप पढ़े होंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड, जहां नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़े होंगे, जहां पढ़े होंगे लास्ट चैप्टर था आपका एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एक पढ़े होंगे आप मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल मेटल के केस में आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखे होंगे, जहां पर प्लस चार्ज वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब वो मेटल, जहां पर निगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रो निगेटिव यानी वो नॉन मेटल, ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता रहा हो। यहाँ आप सिंबल देखो तो यहां पर C और O दोनों न्यूट्रल है, मतलब कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6
ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8, 8+6, 14, कोई चार्ज नहीं, मतलब कोई ना तो ऐड करना है ना ही सब्सट्रैक्ट करना है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सीओ मॉलिक्यूल विल बी 14। नेक्स्ट आ जाओ एनओ वाले केस में, तो नाइट्रोजन के पास कितना, हम बोलेंगे 7, ऑक्सीजन के पास कितना, हम बोलेंगे 8, कोई चार्ज नहीं है, मतलब कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, हम बोलेंगे सिंपल 8+7 ले लो, हो जाएगा 15। आगे बढ़ो, हम लोग आ जाते हैं Al3+ पे, यार ये तो एक सिंपल एल्युमिनियम, जब सिर्फ एल्युमिनियम एल्युमिनियम हुआ करता था, मतलब एल्युमिनियम जब न्यूट्रल हुआ करता था, उस केस में एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एल्युमिनियम सिर्फ एल्युमिनियम नहीं है, मतलब यहाँ एटॉमिक नंबर 13 तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन 13 नहीं होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब 13-3 दैट मींस 10 इलेक्ट्रॉन विल बी आंसर। अगर आ जाओ CO2 वाले केस में, कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल स्पेसीज है, कोई गेन या लूज नहीं करना है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही बस करते जाओ, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन तो 8 2 16, एक कार्बन के पास 6, 16+6 आ जाएगा 22। तो बहुत आसानी से आपने देखा होगा कि कैसे किसी भी न्यूट्रल स्पेसीज का, कैसे किसी भी आयनिक स्पेसीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करते हैं। कभी भी किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो एटम न्यूट्रल स्पेसीज है, और उस केस में जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, न्यूट्रल स्पेसीज के केस में वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी बराबर होगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो होगा वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होगा। और एक बात थोड़ा स्टार्ट देके, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएं आप तुरंत बोलोगे सर अगर आयन आ जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे आयन के आने से प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नाइट्रोजन पे चार्ज प्लस हो नाइट्रोजन पे चार्ज माइनस हो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जितना होगा वही उसका प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा किसके आने से, आयन के आने से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन घटेगा, निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, चाहे पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ जाए, न्यूट्रल रहे आयन रहे कुछ भी रहे, उस केस में प्रोटॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर के ही बराबर होगा, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो आयनिक हो, न्यूट्रॉन हमेशा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ही होगा। तो प्रोटॉन का आपका आयन के साथ कोई रिलेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन का आयन के साथ रिलेशन है, न्यूट्रल के केस में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट अगर आयनिक के केस में बोलेंगे तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बट नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आयनिक स्पेसीज के केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हम लोग देखेंगे कि कितना उस पे चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है तो हम इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करेंगे जैसा कि हम लोग देखते थे, माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जितना प्लस चार्ज उतना सब्सट्रैक्ट, जितना माइनस चार्ज उतना ऐड करेंगे। तो ये सिंपल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, सेल और ऑर्बिट दोनों एक ही चीज होता है, ऑर्बिट ऑर्बिटल सबसे, फिर इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल से समझिएगा, बहुत बेसिक ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा कि यार अगर बीच में जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, और वो आपको पॉजिटिव चीज कंटेन करता है, और ये जो मेरा होता है जो मेरा रिवॉल्व कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है वो मेरा ऑर्बिट होता है, तो सर्कुलर पाथ पे जो ऑर्बिट होता है उसी ऑर्बिट पे मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो हर एक ऑर्बिट की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, हर एक ऑर्बिट की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि कोई भी ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, जैसे मान लो आप जिस बेंच पे बैठते हो उस बेंच पे एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि उस बेंच पे यार मैक्सिमम 3 बच्चा बैठ सकता है, तो वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हुई, हाँ एक भी बैठ सकता है दो भी बैठ सकता है वो बेंच खाली भी रह सकता है, लेकिन क्या उस बेंच पे 3 से ज्यादा बैठ सकता है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कहने का मतलब हुआ कि उस बेंच पे उससे ज्यादा बच्चा नहीं बैठ सकता है। सिमिलरली हर एक ऑर्बिट की हर एक सेल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकता है। तो हम लोग सेल क्या बोले, तो वैसा सर्कुलर ऑर्बिट जिसपे इलेक्ट्रॉन ट्रावर्स करता है,
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं ये मेरा ऑर्बिट हुआ और ऑर्बिट पे ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अब समझना, दो तीन चार टर्म हम लोग जानते हैं, एक टर्म हम लोग जानते हैं सेल, एक हम लोग जानते हैं सब सेल, एक हम लोग जानते हैं ऑर्बिटल, ठीक है, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप सिंपल समझो, जिस तरीके से अगर हम बोलेंगे, जैसे मान लो यार विलेज, विलेज के अंदर हम लोग ले लेंगे हॉर्स, तो पहले विलेज आएगा और उस विलेज में हॉर्स आएगा, जैसे पहले सेल आएगा उस सेल में सब सेल आएगा। अब यहां पे आ जाओ हॉर्स के अंदर आ जाओ तो रूम, अब घर, घर के अंदर कमरा मिलेगा, सिमिलरली सब सेल के अंदर ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक। अब रूम के अंदर हम लोग अगर मान लेते हैं तो यार कोई बुक है, ठीक है, तो ये मेरा हो गया बुक। तो ये अगर ऑर्बिटल के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल समझो विलेज, विलेज के अंदर हाउस, हाउस के अंदर रूम, रूम के अंदर बुक। तो ये ऐसे सीक्वेंस में चलता है कि पहले विलेज, ऐसा नहीं कि हाउस में आपको विलेज मिलेगा, नहीं, विलेज में आपको हाउस मिलेगा, पहले बड़ा पेरिफेरल विलेज, विलेज के अंदर आप बोल सकते हो हाउस, हाउस के अंदर बोल सकते हो आप रूम, रूम के अंदर आप बोल सकते हो बुक। सिमिलरली पहले सेल, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये आपका सीक्वेंस रहता है, ये आप सिंपल समझना। अब यहाँ पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानो, तो ये आपका न्यूक्लियस है जिसमें आपका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन रहता है, ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव चीज ही कंटेन करता है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है और जिस ऑर्बिट पे करता है, जिसका शेप की बात करेंगे तो वो शेप होता है सर्कुलर। अगर हम लोग सिंपल बोलेंगे तो यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि अगर किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो यार एक सेल तो ये हुआ, एक सेल आपका और बढ़ेगा, फिर आपका सेल और बढ़ेगा, ऐसे ही आपका सेल बहुत सारा बढ़ेगा। तो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से सबसे पहला वाला सेल जो होता है वो n इज इक्वल टू 1, n बताते हैं ऑर्बिट के सेल नंबर को, यानी सेल नंबर फर्स्ट, यानी n इज इक्वल टू 1, इसी को हम लोग बोलते हैं k सेल, ठीक है। फिर अब ये फर्स्ट ऑर्बिट के बाद ये सेकंड ऑर्बिट, इसको बोलते हैं एन इज इक्वल टू 2, ये हो गया मेरा एल सेल। सिमिलरली फिर अगला वाला हो जाएगा एन इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा एम सेल, ठीक है। इसी तरह से डॉट डॉट बहुत सारा सेल बनेगा और एक बन जाएगा इनफाइनाइट सेल तक जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्बिट तक जाएगा। तो हर एक सेल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहेगा उस ऑर्बिट का साइज उतना छोटा होगा और जिस ऑर्बिट का साइज जितना छोटा होगा उस ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन रखने की इफिशियंसी उतनी कम होगी। अरे यार बिल्कुल ना, साइज जितना छोटा इलेक्ट्रॉन उतना कम रखेगा, साइज जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रखेगा, न्यूक्लियस के जितना नजदीक साइज उतना छोटा, साइज जितना छोटा इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कैपेसिटी उतना कम, साइज जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी उतना ज्यादा। तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक जो फर्स्ट ऑर्बिट जिसको हम लोग के सेल बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम रहेगा। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएगा, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, डॉट 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 एनथ सेल की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बढ़ते जाएगा क्योंकि ऑर्बिट का साइज भी बढ़ते जाएगा। अगर हम बोलेंगे किसी भी सेल में, किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे किसी भी सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो। तो अगर हम लोग सेल या ऑर्बिट की बात करेंगे तो किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होता है, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होता है, जहां पर ये n जो होता है वो नंबर ऑफ सेल होगा, या आप इसी को ऑर्बिट बोल सकते हो, क्या समझे आप। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2n² होता है, जहां पर n जो होता है वो नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हम लोग फर्स्ट सेल की बात करें, यानी कि n इज इक्वल टू 1 की बात करें, यानी कि हम लोग k सेल की बात करें, तो फर्स्ट सेल में यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में निकालने का फॉर्मूला 2n² और n होता है नंबर ऑफ सेल, जिस सेल में आपको निकालना है
उसका एम का वैल्यू यहाँ रखो, जो भी कैलकुलेट करके आएगा उस सेल का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे यार एन का वैल्यू 1, जैसे ही 1 स्क्वायर 1, 1 2 या 2, यानी हम बोलेंगे फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। बोलेंगे सेकंड सेल में कितना, तो एन का वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 या 8, यानी सेकंड सेल में कितना, हम बोलेंगे 8 हो जाएगा। तो फर्स्ट सेल में कितना 2, सेकंड सेल में कितना, हम बोलेंगे 8। बता दो यार थर्ड सेल एन के जगह पे 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 या 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल विल बी 18। सिमिलरली अगर आपको किसी भी सेल में बोलेगा अगर फिफ्थ सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, हम लोग एन के जगह पे क्या पुट करेंगे, हम बोलेंगे 5। किसी भी ऑर्बिट का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर हमसे पूछा गया। फिफ्थ सेल में एन का वैल्यू रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50, यानी फिफ्थ सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 50। तो किसी भी केस में, किसी भी ऑर्बिट में अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट करने के लिए बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस सेल में पूछेगा वो अब ये बोलेगा कि यार तुम्हारे घर में कितना मैक्सिमम स्टूडेंट है, 10th क्लास में कितने बच्चे हैं, तुम्हारे स्कूल में 10th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो ये तो बोलेगा ना कि 10th में कितने बच्चे हैं। अगर बोलेगा तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं और ये बोलेगा तुम्हारे 10th क्लास में कितने बच्चे हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो जब तक आपके क्वेश्चन को क्लियर ना कर ले, तुम्हारे क्वेश्चन का एम्बिग्युइटी क्लियर ना कर ले, तब तक आप ये नहीं बता सकते हो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम लोगों को ये बोलेगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, तो हम बोलेंगे यार ये कैसा क्वेश्चन है, जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना कहां पे, किस ऑर्बिट में, किस सेल में, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल या के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। अगर हम लोग फर्स्ट सेल की बात करेंगे मतलब के सेल, सेकंड सेल की बात करेंगे मतलब एल सेल, थर्ड सेल की बात करेंगे एम सेल, फोर्थ सेल की बात करेंगे एन सेल, तो जिस सेल की बात करेंगे वो तो आपको क्वेश्चन में मेंशन करना होगा। जैसे बोलेगा यार एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एल सेल मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है के नहीं, एल मतलब फर्स्ट नहीं सेकंड सेल, और सेकंड सेल में पूछा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो 2l स्क्वायर में n के जगह पे 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा सिक्स सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2n स्क्वायर में n के जगह पे 6 पुट कर दो, 6 का स्क्वायर 36, 36 2 जा 72, यानी सिक्स सेल में या सिक्स ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 हो जाए, सॉरी 72 हो जाएगा। तो आप किसी भी सेल की बात करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, इन एनी सेल विल बी 2n स्क्वायर वेयर n इज नंबर ऑफ सेल। अगर फोर्थ सेल में बोलेगा 2n स्क्वायर में n के जगह पे 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, यानी फोर्थ सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 होगा। हाँ, जैसे मान लो यार अगर एक रूम में या एक बेंच पे मैक्सिमम 3 लड़का बैठने की कैपेसिटी है, तो मैक्सिमम कितना बैठेगा 3। क्या उस बेंच पे 2 बैठ सकता है, बिल्कुल बैठेगा। क्या उस बेंच पे 1 बैठ सकता है, बिल्कुल बैठेगा। क्या वो बेंच खाली रह सकता है, हम बोलेंगे यार स्टूडेंट है नहीं तो खाली नहीं रहेगा क्या। हम बोलेंगे यार क्या उस बेंच पे 4 बच्चा बैठ सकता है, आप बोलोगे पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम उस पे 3 ही बैठ सकता है, चौथा इधर से बैठेगा तीसरा उधर से गिरेगा, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी उस बेंच पे बैठने की 3, यानी 3 या 3 से कम उस पे आप बैठा सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं बैठा सकते हो। सिमिलरली किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर आपका निकल गया, जैसे फोर्थ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 होता है, तो उस सेल में 32 या 32 से कम इलेक्ट्रॉन आप कंटेन कर सकते हो। लेकिन क्या अगर फोर्थ सेल में बोलेंगे 33 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने का, हम बोलेंगे यार पॉसिबल ही नहीं होगा। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर, जहां पर n होता है नंबर ऑफ सेल, जिस सेल के बारे में आपको पूछा जाए n का वैल्यू 2n स्क्वायर में पुट करो, जो ऑब्टेन नंबर होगा दैट विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर सेल। ये आपको होपफुली क्लियर हुआ। चलिए हम लोगों ने देखा सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, सेल दैट मीन्स ऑर्बिट होता है, जो आपके न्यूक्लियस के में के सर्कुलर पाथ में, न्यूक्लियस के नजदीक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। यानी ऑर्बिट के बाद अगर हम लोग सेल पढ़े, इस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का, सेल जो कि इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज होता है, हम बोल सकते हैं किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन कंटेनर होता है, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, तो 2n स्क्वायर। सेल के बाद हम लोग पढ़ते हैं सबसेल के बारे में।
तो सबसेल क्या होता है कि बहुत सारे ऑड वाइटल का कलेक्शन होता है, ऐसा स्पेसीज या ऐसा हम थिंग बोल सकते हैं जो बहुत सारे ऑड वाइटल को कंटेन करता हो। तो हम क्या बोले थे आप याद करो, तो विलेज पहले बोले और विलेज के बाद आपका आया हॉर्स, यानी आप सिंपल बोल सकते हो कि विलेज के अंदर आएगा आपका हॉस, सिमिलरली सेल के अंदर आएगा सबसेल और सबसेल के अंदर हॉस के अंदर आया था आपका रूम, तो सिमिलरली सबसेल सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं विलेज, विलेज के अंदर हॉस, हॉस के अंदर रूम और रूम में आपको बुक मिलेगा। अगर आपको बुक खोजना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन खोजना है तो आपको पहले सेल जाना होगा, सेल आपको सबसेल के बारे में बताएगा, सबसेल आपको ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो आप सिंपल देख सकते हो, तो सबसेल क्या बोले तो कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल कह सकते हो जिसको सबसेल बोलेंगे। तो आप सिंपल एक चीज समझिएगा, किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी सबसेल में, सबसेल की बात कर रहे हैं, तो सब इस तरह से सेल को डिनोट किए हम लोग एन से, सबसेल को हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहां पर जो हम लोग बोलते हैं एस पी डी एफ, ये सब मेरा सबसेल हुआ, नाम आप जरूर सुने होंगे, ये एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल, ये मेरा सबसेल को डिनोट करता है। अब किसी भी सबसेल में जिस तरीके से बाबू किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको निकालने का फॉर्मूला पता चल गया, सिमिलरली किसी भी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाए, तो हम लोग बोलेंगे किसी भी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान। जिस तरह से सेल को हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं, इसी तरह से सबसेल के एस को एल से डिनोट करते हैं, और एस के लिए एल का वैल्यू जीरो होता है, पी के लिए एल का वैल्यू वन होता है, डी के लिए एल का वैल्यू टू होता है, एफ के लिए एल का वैल्यू थ्री होता है। ये एल आपको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सबसेल के बारे में बताता है। तो आप जिस तरीके से अगर हम लोग बोलेंगे एन इज इक्वल टू टू, मतलब आप बोलोगे सेकेंड सेल, हम बोलेंगे n इज इक्वल टू फोर, आप बोलोगे फोर्थ सेल, सिमिलरली हम बोलेंगे l इज इक्वल टू टू, हम बोलेंगे d सबसेल, हम बोलेंगे l इज इक्वल टू जीरो, आप बोलोगे s सबसेल, l इज इक्वल टू जीरो s सबसेल, l इज इक्वल टू वन p सबसेल, l इज इक्वल टू टू d सबसेल, l इज इक्वल टू थ्री f सबसेल। अगर आपको n सेल पता है, इलेक्ट्रॉन निकालोगे 2n स्क्वायर से, अगर आपको n पता चल गया या आपको सबसेल पता चल गया कि d सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो d सबसेल को l से नोट करते हैं, l इज इक्वल टू टू। बस ये याद रखना l जीरो से स्टार्ट, L 0 और अगर सबसेल S से स्टार्ट, तो L इज इक्वल टू 0 मतलब S सबसेल, L इज इक्वल टू 1 मतलब D सबसेल, L इज इक्वल टू 2 मतलब D सबसेल, L इज इक्वल टू 3 मतलब F सबसेल। तो किसी भी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हम बोलेंगे 4L प्लस 2, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर, जहां पर n आपका नंबर ऑफ सेल था। सिमिलरली किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4l प्लस 2। अगर बोलेंगे p सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, P सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4L प्लस 2। अब आपको अगर L पता चल जाए तो यार इलेक्ट्रॉन तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे, और L कैसे पता चलेगा, तो L पता चलेगा कौन से सबसेल में पूछ रहा है। अरे यार क्वेश्चन पता रहेगा तब तो आंसर बताओगे, क्वेश्चन पता है पी सबसेल, और पी सबसेल से पता चलता है कि एल का वैल्यू होता है 1, तो इस एल का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 4 बन जाए 4, 4 प्लस 2 6, मजा आ गया होगा। हम लोग जानते भी हैं पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर आपको बोलेगा कि एस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, आप तुरंत बोलोगे एस जैसे ही पूछा एल का वैल्यू दिमाग में आया 0, यहां एल का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 4 इंटू 0 इसका काम खत्म, बच गया सिर्फ 2, यानी एस सबसेल में मजा आ गया सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अरे यार बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ो। आपको बोल दिया कि डी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, अरे सबसेल का नाम बोलेगा तब ना इलेक्ट्रॉन आप बताओगे, और जैसे ही सबसेल कौन सा वो बोल दिया हमको एल पता चल गया, एल जैसे ही पता चल गया इस फॉर्मूला में पुट कर दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा।
अरे नंबर ऑफ सेल जो बोलेंगे तब तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सिमिलरली आप बोलोगे सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, आप तुरंत बोलोगे यार कौन सा सब सेल, एस सी पी डी एफ एक सब सेल नहीं होता है। जैसे ही हम बोलेंगे पी सब सेल दिमाग में घूमेगा पी मतलब एल का वैल्यू जीरो नहीं वन, क्योंकि एल का वैल्यू जीरो मतलब एस सब सेल, एल का वैल्यू वन मतलब पी सब सेल, एल का वैल्यू टू मतलब डी सब सेल, एल का वैल्यू थ्री मतलब एफ सब सेल। तो अगर हमको बोले गया मान लो कि एफ सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एफ जैसे ही बोला एल का वैल्यू थ्री घूम गया दिमाग में, एल का वैल्यू थ्री घूमा यहाँ पे पुट कर दो, फोर थ्री या ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री यहाँ पर हो गया फोर्टीन। डी सब सेल में एल का वैल्यू टू यहाँ पुट करो, फोर टू या एट, एट प्लस टू यहाँ आ गया टेन। तो किसी भी सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना होगा तो फॉर्मूला होता है फोर एल प्लस टू। जहाँ एल कैसे निकलेगा तो हम पहले ही बता दिए, एस के लिए एल का वैल्यू जीरो, पी के लिए एल का वैल्यू वन, डी के लिए एल का वैल्यू टू, एफ के लिए एल का वैल्यू थ्री। बस ये याद रखना एल का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होता है और एस सबसेल होता है मतलब एल इज इक्वल टू जीरो। तो जो सबसेल बोलेगा उसका एल निकालो और इस फॉर्मूला में पुट करो। तो अभी तक हम लोगों ने दो फॉर्मूला जाना, किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन तो हम लोग बोलते हैं टू एन स्क्वायर। हम लोगों ने जाना किसी भी सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे फोर एल प्लस टू। तो सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टू एन स्क्वायर, सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फोर एल प्लस टू। वहां पर टू एन स्क्वायर में एन क्या था, नंबर ऑफ सेल, फोर एल प्लस टू में एल क्या होता है सब सेल, एल का वैल्यू जीरो मतलब कौन सा सब सेल एस, एल का वैल्यू वन मतलब कौन सा सब सेल पी, एल का वैल्यू टू मतलब D, L का वैल्यू 3 मतलब F। जिस सब सेल के बारे में बोलेगा उसका L आप पकड़ोगे, उस L का वैल्यू 4L प्लस 2 में पुट करोगे, जो नंबर मिलेगा उस सब सेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। तो किसी भी सेल में किसी भी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो। सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर, सब सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4l प्लस 2। तो l का वैल्यू डिपेंड करता है कि आपको किस सब सेल के बारे में पूछा गया। s के बारे में पूछा गया तो l का वैल्यू 0, उस 4l प्लस 2 में l का वैल्यू 0 पुट करो, 4 * 0 0, 0 प्लस 2 2, s सब सेल में मजा आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ये सब बचपन में 10th क्लास 9th क्लास में याद करते थे, अब फॉर्मूला पता चला एल का वैल्यू पुट करते हैं उसमें रखते हैं वही एग्जैक्ट नंबर हमको वापस मिल जाता है और अच्छा लगता है, क्योंकि आपको जो याद रहा होगा और वो अगर आपको वापस यहाँ मिल रहा है आपको लग रहा होगा नहीं यार चलो कुछ तो रिविजन हो रहा है। और एक दो बार अगर ये वापस एक बार अगर आप पूरे टच में आ जाओगे ना तो वापस पढ़ने में, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका 11th में चैप्टर है और वो पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो हम लोगों ने दो फॉर्मूला जाना, एक 2n स्क्वायर और एक 4l प्लस 2। 2n स्क्वायर मतलब किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, 4l प्लस 2 किसी भी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। n होता है 2n स्क्वायर में नंबर ऑफ सेल, 4l प्लस 2 में l होता है नंबर ऑफ सब सेल, p सब सेल मतलब l का वैल्यू 1, s सब सेल मतलब l का वैल्यू 0। जिस सब सेल के बारे में बोलेगा उसका l आप निकालो, उस l का वैल्यू 4l प्लस 2 में पुट करो, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सब सेल के बारे में पढ़ा, सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4l प्लस 2, n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 0 मतलब फर्स्ट सेल, सॉरी n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। और सब सेल में 4l प्लस 2 होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और l का वैल्यू 0 मतलब s सब सेल, 1 मतलब p सब सेल, 2 मतलब d सब सेल। जिस सब सेल के बारे में पूछेगा उसका l आप फाइंड करो, l का वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रॉन गेट करो। अब यहां देखो आप, अगर हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल क्या होता है तो ऑर्बिटल एक ऐसा प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। अब बोलोगे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम सर ये क्या होता है, हम बोलेंगे आप आराम से समझो। जैसे मान लो एक क्लासरूम है, ठीक है, अब इस क्लासरूम में जैसे मान लो यार कि ये एक बेंच हुआ, ये एक बेंच हुआ और नीचे एक बेंच हुआ, ठीक है। अब इस बेंच पे क्या है कि बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है और यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पर भी दो बच्चा बैठा हुआ है।
तो हम बोलेंगे कि यहाँ जो आपका बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है, तो इस क्लासरूम में ये जो दो बेंच है, इस दो बेंच पे स्टूडेंट मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि नीचे जाओगे रीजन भी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट भी सिर्फ एक है, तो यहाँ पर इस रीजन में स्टूडेंट मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम, इस रीजन में स्टूडेंट मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो और वैटल बोलता है वैसा प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो वो प्लेस उसका ऑर्बिटल कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे अगर ये मेरा ऑर्बिट हुआ और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसके अंदर ऑर्बिट के अंदर का एक ऐसा प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो वो आपका ऑर्बिटल कहलाता है। तो सिंपल बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल द प्लेस वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की पॉसिबिलिटी जहां सबसे ज्यादा हो वो रीजन वो प्लेस आपका ऑर्बिटल कहलाता है। अब आप एक चीज समझिएगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन कहां तो ऑर्बिटल में। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n2, किसी भी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4l+2, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन, दो से कम भी हो सकता है, वो ऑर्बिटल खाली भी, खाली तब वैकेंट ऑर्बिटल बोलेंगे, एक रहेगा तो हम बोलेंगे पार्शल ऑर्बिटल, और अगर फुली दो इलेक्ट्रॉन तो हम बोलेंगे फुलफिल्ड ऑर्बिटल। तो आप सिंपल समझना, ऐसा प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो वो प्लेस वो रीजन ऑर्बिटल कहलाएगा। आप सिंपल समझना, क्लासरूम में भी आप देखते होंगे कोई एक ऐसा रीजन होता है जहां पर स्टूडेंट का क्रोध ज्यादा होता है, कहीं ऐसा एक जगह होता है, जैसे हम लोग अभी आजकल देखते हैं क्या है, बच्चे लोग या कॉलेज में आप देखोगे बैक बेंचर ज्यादा मिलेंगे, आगे का दो तीन बेंच खाली रहेगा और पीछे पूरा क्राउड रहेगा, इसका मतलब वो वहां पे पीछे स्टूडेंट ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है, आगे वाले बेंच पे स्टूडेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मतलब वो रीजन आपको ऑर्बिटल कहलाएगा। तो वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो रीजन वहां का ऑर्बिटल कहलाएगा। अब सिंपल समझो, हम लोग जाने एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, आप बता दो यार 10 इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए एक ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए मजा आ गया 5 ऑर्बिटल, अरे बोलो 20 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए हम बोलेंगे यार 10 ऑर्बिटल बोला जाए, जैसे ही आपको 10 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल, 20 इलेक्ट्रॉन 10 ऑर्बिटल, अगर मेरे पास दो ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल है तो इस दो ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, बा फालतू महागरीब क्वेश्चन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 ऑर्बिटल चाहिए, अपने पास 20 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 ऑर्बिटल चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन है देखेंगे, जितना ऑर्बिटल है वो देखेंगे, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए एक ऑर्बिटल, दोनों बात एक ही, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन अ सिंगल ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। तो जब आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन था तो 5 ऑर्बिटल मिला, 20 इलेक्ट्रॉन था 10 ऑर्बिटल मिला, तो आप हमको ये बता दो अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन 2n² हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन 2n² हो जाए, अरे यार जब इलेक्ट्रॉन 10 तो ऑर्बिटल 5 आधा, जब इलेक्ट्रॉन 20 तो ऑर्बिटल 10 आधा, इलेक्ट्रॉन 2n² ऑर्बिटल 2n² / 2 आधा, मतलब 2 कैंसिल, बच गया तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल n², अरे बोलिए किसी भी, अगर इलेक्ट्रॉन 10 तो ऑर्बिटल 5, क्यों 5, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 20 ऑर्बिटल 10, क्यों भी 10, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन 2n² जो कि किसी भी सेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन 2n² तो उसका आधा ऑर्बिटल, आधा कितना तो 2n² / 2, 2 कैंसिल आउट, यानी किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल हम बोलेंगे n², जितना इलेक्ट्रॉन उसका आधा, इलेक्ट्रॉन कितना 2n² तो ऑर्बिटल कितना n², मजा आ जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 4l+2 है, अगर इलेक्ट्रॉन 4l+2 है,
इलेक्ट्रॉन अगर ये है तो हम बोलेंगे ऑर्बिटल कितना, तो हम बोलेंगे जितना इलेक्ट्रॉन उसका आधा, तो 4l plus 2 by 2, इसी को आप इंडायरेक्टली कभी कभी देखोगे 2 कॉमन ले लो तो 2l plus 1 upon 2, 2 कैंसिल और 2l plus 1, तो हो गया 2l plus 1 क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल, लेकिन किस में, तो हम बोलेंगे सब सेल में, हम बोलेंगे n square क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल किस में, हम बोलेंगे सेल में। तो चार फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। हम लोग देखे सेल वाले केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n square, सब सेल वाले केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4l plus 2, अब जितना इलेक्ट्रॉन उसका आधा ऑर्बिटल, जितना इलेक्ट्रॉन उसका आधा ऑर्बिटल, अगर इलेक्ट्रॉन 2n square ऑर्बिटल n square, अगर इलेक्ट्रॉन 4l plus 2 तो ऑर्बिटल 4l plus 2 by 2 बोलो या इनडायरेक्टली 2l plus 1 बोलो। तो हम लोगों ने चार फॉर्मूला जाना, सिंपल है। किसी भी ऑर्बिटल में बोलेगा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, हम तुरंत बोलेंगे 2। किसी भी सेल में बोलेगा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे 2n स्क्वायर। किसी भी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे 4l plus 2। एल कैसे निकालोगे, हमको बोलेंगे यार सबसेल का नाम बोलो, एल तुरंत बोलेंगे। बोलेंगे एस का वैल्यू, तो एल एस के लिए एल का वैल्यू 0। हम बोलेंगे पी सबसेल, हम बोलेंगे एल का वैल्यू 1। हम बोलेंगे डी सबसेल, हम बोलेंगे एल का वैल्यू 2, क्योंकि जानते हैं एस सबसेल मतलब एल का वैल्यू 0, पी सबसेल मतलब एल का वैल्यू 1, डी सबसेल मतलब एल का वैल्यू 2, एफ सबसेल मतलब एल का वैल्यू 3। तो जैसे जैसे आपको सेल सबसेल के बारे में पता चलेगा, आप इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल बता दोगे। हम बोलेंगे यार बताओ यार एफ सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल, एफ सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल, मजा आ जाएगा। एफ सबसेल में पहले ये बताओ कितना एल का वैल्यू, तो यार एफ सबसेल के लिए एल का वैल्यू 3। एल का वैल्यू अगर 3 है और ऑर्बिटल पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 4l plus 2 और ऑर्बिटल इसका आधा, तो 4 3 12 plus 2 14 जो आया वो आपका आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल जो आएगा वो 14 by 2 यानी 7, और डायरेक्ट आप एल का वैल्यू 3 इस फॉर्मूला में पुट करोगे, 2 into 3 plus 1 तो चार फॉर्मूला हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में होता है 2n स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में वो होता है 4l plus 2, फिर हम लोगों ने जाना मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सेल में, हम लोगों ने बोला n स्क्वायर, क्यों n स्क्वायर, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम सेल में 2n स्क्वायर, तो आधा करेंगे तो n स्क्वायर। किसी भी सबसेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल, तो 4l plus 2 का आधा यानी 2l plus 1 बोलो या 2 into 2l plus 1 अपॉन 2 बोलो, आप जो बोलोगे बात एक ही होगा। तो यार चार फॉर्मूला हम लोगों ने जाना, सेल के बारे में, सबसेल के बारे में, इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला और ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला। चलिए तो सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर, सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4l plus 2। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑर्बिटल कितना होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन उसका आधा ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 2n स्क्वायर बाय 2 करेंगे, n स्क्वायर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सेल में। बोलेगा फोर्थ सेल में कितना ऑर्बिटल, डायरेक्ट 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल, तो यहां पर 4l plus 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4l plus 2 by 2 यानी हो जाएगा 2l plus 1, तो हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया आपका ऑर्बिटल। बोलेगा p सबसेल में कितना ऑर्बिटल, हम बोलेंगे p मतलब l का वैल्यू 1, l का वैल्यू 1 इसमें पुट करो, 2 into 3 plus 1 ये आ जाएगा 7। हम बोलेंगे फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे 4 का स्क्वायर पुट करो, आ जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ सेल में सॉरी ऑर्बिटल है, फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन कितना, तो हम बोलेंगे 32, ऑर्बिटल कितना 32 का आधा 16, सबसेल 4l plus 2 फॉर्मूला, और जिस किसी भी सबसेल में बोलेगा l का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा ऑर्बिटल भी निकल जाएगा। तो आप जब कभी भी ऑर्बिटल बोलेगा आप पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लो और उसका आधा कर दो, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे, लेकिन आप एक बार पढ़ के जरूर आइएगा, वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, पहले आप बार बार एक बार रिपीट करके देखो, आप जो भी फॉर्मूला है आप उसको लिखो, नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक डीपीपी दे देंगे और उस डीपीपी में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो कि हम क्लास में आपको डिस्कस भी करेंगे। चलिए थैंक यू।